अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा ये थोड़ा सा आइज़ का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो इस वजह से मेरी ब्लॉग्स मेरे कम आ रहे थे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ कि इतने दिन मैं एबसेंट रही। और आज मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए मौके की मुनासबत से एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ, जिसमें आप लोग 14 अगस्त से रिलेटेड। मैं आपको बता रही थी कि 14 अगस्त पे हम सब अपनी अपनी डीपीज बनाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन अब तो ट्विटर की प्रोफाइल फ़ोटोज़ भी लगती हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, जिसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी की और अपनी पसंद की 14 अगस्त की डीपी बना सकें, चाहे उसमें पिक्चर लगाएँ, चाहे उसमें आप अपना नाम लिखें। तो क्योंकि जब मुझे किसी ने बना के दी थी लास्ट ईयर, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं ख़ुद से बनाऊँ ना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और अब मैं आपको लेके चलूँगी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वहाँ पे आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने अपनी डीपीज़ बनाई हैं, आप सब भी अपनी डीपीज़ 14 अगस्त की बना सकते हैं। तो चलते हैं, और अब मैं आपसे मिलूँगी मोबाइल स्क्रीन पर, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनेगी और क्या होगा। और जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी बताऊँगी और एक दो डीपीज़ क्रिएट करके भी दिखाऊँगी जी। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है 14 अगस्त डीपी मेकर, जो कि मैंने पहले से करके रखी हुई है। अभी इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा, तो आपने यहाँ पे क्रिएट डीपीस पे जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का एक स्टाइल सेलेक्ट करना है। मैं कर लेती हूँ ये सेकेंड वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने अब ये 14 अगस्त का ये वाला डीपी स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। एडिट में जाके योर नेम पर मैं अपना नाम यहाँ पर लिखूँगी, समरीन इफ्तिखार, ठीक है। इसको मैंने सबमिट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं रखती हूँ ये वाला, ठीक है। अब आपको मैं एक और दफ़ा चेंज करके दिखाती हूँ। रोबोटो रख लेते हैं, ये देखिए ये हो गया है फॉन्ट चेंज। अब यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ब्लैक नहीं रखना चाह रही, मैं रेड रखना चाह रही हूँ या पिंक, तो वो यहाँ से आप इजीली अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी, और उर्दू में भी आप नाम लिख सकते हैं। वो भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अभी हमने ये उर्दू कीबोर्ड ओपन किया, अब हम लिखेंगे समरीन इफ्तिखार। ये अब मैं लिख रही हूँ, अब आप देखते जाइएगा और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग भी अपनी डीपीस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कीजिए, उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, उसका आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए, और मज़े मज़े की डीपी अपनी भी क्रिएट कीजिए और अपने दोस्तों की भी। अब मैं आपको कोई एक दूसरा बनाकर दिखाती हूँ, जिसमें हो ये वाला, ठीक है। ऐड योर नेम में हम जाएंगे, हम इसको रिमूव करेंगे, और अब हम लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये हमने लिख दिया और ये यहाँ पर आ गया। अब ये फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं अब यहाँ से करूँगी इसको चेंज। ये भी चेंज हो गया। अब अगर दोबारा इसको चेंज करना है तो एक सेकेंड, ये भी हो गया। और अब हम एक और, मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। समरीन इफ्तिखार सबमिट कर दिया, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल पे गए, एरियल सिंपल सा आपने यहाँ पे ये कर दिया, और ये आपका बन गया फॉन्ट, ठीक है। फिर आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।